back to my channel. This side Mansi Yadav with you all once again, guys. I hope everybody is doing good. And if you're new to the channel, my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 2 years. Channel पे आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं regarding cabin crew, regarding ground staff and vlogging as well. कि मैं कहाँ-कहाँ travel करती हूँ as a cabin crew and what's my lifestyle. So I'll be talking about that. So guys, इस वीडियो से जुड़े रहिए एंड तक. और आज का टॉपिक हमारे साथ होने वाला है वो है cabin crew की ट्रेनिंग की फीस कितनी होती है. आई नो एवरीबडी इज कन्फ्यूज की ट्रेनिंग कितने पैसे लगते हैं, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट होता है. आई नो यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज. सो ये वीडियो आपको प्रॉपरली क्लियर कर देगा आपके सारे के सारे डाउट्स. ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो सारे क्लियर कर देगी सारे डाउट्स. और इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए रिगार्डिंग दिस. एंड डू लेट मी नो कि आपको वीडियो हेल्प किया या नहीं इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड या And if you want to suggest any other videos regarding about my YouTube channel, then do you can see my Instagram handle over here and do see write your comment out there ki ab kya chahte ho ki main kis pe video banaun, kaun sa topic hona chahiye. Do write it over there and do follow me on Instagram. Agar aapko koi bhi entertaining videos chahiye regarding dancing, regarding acting or anything else, yeah. So all the videos are over there on the Instagram, then do come and join there. Theek hai, okay. So let's start with today's topic. सो गाइज, सबसे पहले होता है कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में या किसी भी इंटरव्यूज में क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं, क्या हमें फर्स्ट डे ही जाते पैसे देने होते हैं. लोग ये सब भी सोचते हैं. सो गाइज, सबसे पहले बोलूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. कैबिन क्रू कोई भी इंटरव्यूज में हमें कोई भी फीस स्ट्रक्चर नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी भी इंटरव्यूज के लिए. दिस इज ऑल फ्री. ठीक है, सो ये इंटरव्यू सारे फ्री होते हैं. आपको सिर्फ जाके अप्लाई करना होता है. यस, 5 या 4 या 6 इंटरव्यूज आपके जो होते हैं, जो आपका लास्ट राउंड होगा. सो गाइज, आप इस चीजों को प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा. जो आपका लास्ट राउंड होगा उसमें आप जो आपको एयरलाइंस आपको लिख के देगी, आपको प्रॉपर एयरलाइंस का बुकलेट होगी, उसमें लिखा होगा दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस एयरलाइंस एंड दिस एज अ कैबिन क्रू जॉब. और प्रॉपर सिग्नेचर होंगे इस कंपनी के. ठीक है, एंड उसमें लिखा होगा आपको कितना अमाउंट उसको पे करना है. दे इवन डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, जो भी आपके बुकलेट में लिखा होता है डिस्कस करते हैं. ये सारी चीज आपको बताई जाती है उस टाइम पे. सो या उसके बाद आपका आपके साइन भी लिए जाते हैं उस चीज पे और आपको टाइम दिया जाता है. ये नहीं होता कि उसी दिन तभी के तभी आपको मेरे को पैसे देने हैं, अदरवाइज हमको निकाल देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. दे विल गिव यू टाइम. बट या आपके जिस दिन आपकी ट्रेनिंग होती है उस दिन आपको फर्स्ट डे पे आपको पेमेंट करनी होती है सारी. ठीक है, सो या सो आपको ये तो आपको पता चल गया कि आपको कब देनी है पैसे. कब देने हैं? जब आपका सारे इंटरव्यूज के राउंड सारे के सारे क्लियर हो जाए और एंड में आपको जब वो इंटरव्यू की जो जो आपकी कंपनी है, ठीक है, वो आपको लिख के दे रही है एग्जैक्ट प्रॉपरली कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड. उसके अलावा आप किसी को पैसे मत देना. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा एक राउंड के बाद. ऐसा नहीं होता. 5 मैक्सिमम राउंड होते हैं, 4 या 5 राउंड हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. बट येस, एवरी एयरलाइंस हैज द सेम सिस्टम कि आप लास्ट राउंड में जाके आप वो भी जो भी फीस उनका होता है वो लेते हैं. तो वो आपको प्रॉपरली लिख के देंगे. उसके अलावा आप किसी को पेमेंट मत करना. इज रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी प्लीज. ठीक है, सो किसको देना है? किसको देना है? कंपनी या किसी भी एयरलाइन जो आपको लिख के देगी उनको देना है. ठीक है, नेक्स्ट, डू दे गिव यू टाइम? येस दे, वो टाइम आपको देते हैं. हाँ जी, वो आपको ऐसा नहीं है कि उसी वक्त आपको पेमेंट करनी होती है. आपको टाइम देंगे. ठीक है, और उसके बाद येस देन डेफिनेटली जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा ट्रेनिंग का, देन दैट वॉज द लास्ट डे. और मुझे आपको 1 वीक 2 वीक्स का टाइम मिलेगा या 3 मंथ्स 2 मंथ्स जितने भी आपकी जब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. ट्रेनिंग स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज दे गो थ्रू विद द मेडिकल्स एज वेल. ठीक है, मेडिकल्स होने में उसका पूरा आने में दैट टेक्स टाइम. ठीक है, तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ इट विल टेक फॉर ट्रेनिंग के. जिस दिन फर्स्ट होता है आपको हैव टू डू द पेमेंट. ओके, सो नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज आपको कितना फीस स्ट्रक्चर होगा. सो गाइज, डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया कि आपका अप्रॉक्स आइडिया 50,000 से लेके 60, 70, 80 या फिर 1 लाख भी जा सकता है. ठीक है, सो कुछ गवर्नमेंट एयरलाइंस होती है दैट टेक्स 1 लाख रुपीज और सम एयरलाइंस टेक 50, 60, 70. डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस टू एयरलाइंस. ठीक है, सो गाइज, आप इस सुन के ये डर मत जाना कि यार इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट हम कैसे पे करेंगे. तो टेंशन मत लो. बट या This is a very fruitful and very, I think, good investment. क्या किसी भी चीज में कर रहे हो because they will give you back. ठीक है, so yeah, so I will take tell this later in the while. But yes, concentrate on another point which I'm telling you. इस चीज का मैं जरूर जरूर last point बताऊंगी. But उससे पहले हम दूसरे point पे जाते हैं कि आपको salary जब आपको क्या बोलते हैं आपका salary structure कब start होता है. तो guys, जब आप training कर रहे होते हो
ठीक है, उस टाइम पे आपका सैलरी प्रोसेस शुरू हो जाता है. दे विल गिव यू सैलरी, ठीक है, ऐसा नहीं है आपको सैलरी नहीं मिलती. जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आपको तब भी सैलरी मिलती है, एंड दिस इज रियली रियली नाइस. आप उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, बट उसको उस टाइम पे भी आपको सैलरी मिल रही है. बट दैट डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस टू एयरलाइंस, वो सैलरी को कितनी पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, कोई आपको 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. ओके, बट या जब आपने पेमेंट कर दी उसके बाद आपको खुद सैलरी मिल रही है, दैट आपका फर्स्ट मंथ से आपको स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग के टाइम से कि आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज रियली रियली एक्साइटेड. सो गाइस, लोगों से पूछते क्या इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है. अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग बीच में छोड़ दे तो पैसे नहीं मिलेंगे. पैसे मतलब यू नो यू गेट एवरीबॉडी गेट्स वेरी कंफ्यूज. मैं भी थी, मेरे को भी कंफ्यूजन थी उस टाइम पे. या सो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपेंड करता है गाइस एयरलाइंस टू एयरलाइंस. जैसे किसी एयरलाइंस का होता है 3 ईयर्स का होता है, किसी का 5 ईयर्स का होता है, या फिर यू नो 2 ईयर्स का होता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स का होता है या 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो येस, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट जब आप कर लोगे तो आपके जो पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिविंग 50,000 रुपीज, सो वो अप्रॉक्स आपको 50,000 रुपीज वापस कर सकते हैं 3 ईयर जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है. उसके बाद दे विल गिव यू बैक और दे विल रिटर्न यू एज इन 1,50,000 रुपीज, डबल आपको वो पैसे वापस कर देते हैं उसके. ठीक है, या फिर आपको अपने 1,00,000 रुपीज दिया तो दे विल गिव यू आफ्टर 5 ईयर्स दे विल गिव यू बैक. कुछ एयरलाइंस में ऐसा भी होता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, सो वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं. तो टेंशन की बात नहीं है कि अपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद आपको वापस ही नहीं मिले, यार इतना लग गया अमाउंट में कुछ मिला नहीं. आपको हमेशा मैं बताऊंगी कैबिन क्रू की जॉब में हमेशा आपको एग्जैक्ट मिलेगा या फिर उससे डबल तो जरूर मिलता है. तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है. मेक श्योर यू आर डूइंग दिस एंड अपने पेरेंट्स को जरूर जरूर कन्विंस कीजिए. ऐसा कुछ नहीं है यार कि यू नो दिस इज रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू रियली वॉन्ट टू डू दिस जॉब एंड दिस इज अमेजिंग एज अ जॉब. ठीक है, या सो आपको 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद आपको पैसे वापस मिल जाते हैं. ठीक है, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सपोज इफ यू आर लीविंग इन लाइक मेरे 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं उसे पहले छोड़ देती हूँ जॉब, या मेरा 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है मैं फर्स्ट ईयर में या 2.5 ईयर्स में छोड़ देती हूँ, सो येस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पैसे जो आपने 50,000 रुपीज दिए थे, 60,000 रुपीज दिए थे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट येस आई कैन डेफिनेटली टेल यू, अगर आप 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद भी किसी रीजन की वजह से आप छोड़ देते हो जॉब, तब तक भी आप उससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा तो आप कमा ही लेते हो. ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉस में जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो. या ठीक है, और दिस इज अ वेरी वेरी आई थिंक दिस इज अ वेरी लास्ट पॉइंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर डोंट गिव योर मनी टू एनीबॉडी हु सेज कि हम आपको जॉब लगवा देंगे, सिर्फ 2 राउंड्स कराने हैं उसके बाद यू विल क्लियर दिस जॉब. आई हैव सीन लॉट मेनी मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम की दी में से अभी किसी ने मुझे कॉल किया था COVID-19 के टाइम पे, अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कि विल गिव यू जॉब, यू हैव टू पे दिस मच मनी. नो गाइस, प्लीज कैबिन क्रू की कोई भी इंटरव्यूज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं. ठीक है, दैट आर ऑल फ्री. और जब सिलेक्शन हो जाता है वो एयरलाइंस का नाम लिख के आता है, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है उस बुकलेट होती है, उस पर ऑफिशियल साइन होते हैं उस एयरलाइंस के. सो मेक श्योर कि आप किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ रहे हो, किसी भी गलत कंपनी जो यू नो उन चीजों के बीच में नहीं पड़ रहे हो. तो मेक कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो. तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू कि आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम में मत फंसो. बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड या ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइज. एंड इफ यू कोई भी यू नो प्रॉब्लम हो देन डू कम एंड जॉइन ऑन माई लाइव सेशन एज वेल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड देयर फॉर यू. ठीक है, लॉट्स ऑफ लव गाइज एंड डू लाइक कर दीजिए वीडियो को, सपोर्ट कर दीजिए यार. ठीक है, और बस लाइक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, एंड डू शेयर दिस टू एनी बडी हु रियली वॉन्ट टू नो अबाउट कैबिन क्रू जॉब्स एंड ट्रेनिंग एंड फी स्ट्रक्चर. येस, एंड आई एम देयर फॉर यू एवरीबडी. ओके, एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, और आपको रीसेंट नोटिफिकेशन तो बेल आइकन जरूर दबा देना. ठीक है, या सो ज्यादा काम नहीं बोला, थोड़ा सा काम जरूर करना है. ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू, बाय. एंड डू कमेंट डाउन कि वो कैसी लगी वीडियो. ठीक है, बाय.